गाइस व्हाट्सअप एंड वेलकम टू अ न्यू फ्रेश व्लॉग एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज जो व्लॉग की शुरुआत हो रही है वो हो रही है सीधा स्टोर से, क्योंकि मैं घर से जल्दी निकल आया था तो मैं डायरेक्ट आके स्टोर के ऊपर और यहीं से मैंने व्लॉग किया शुरुआत करी है। मैडम अभी आई नहीं है, विशाल जी खड़े हैं यहां पे, शटर विशाल जी ने वाला खोला नहीं है, शटर खोल दो सर प्लीज। और अभी आए हैं तो पूजा कर लेते हैं, थोड़ा सा काम कर लेते हैं, उसके बाद में फिर आपसे बोलता हूं फ्री होके। तो जी पूजा हो गई है कंप्लीट और अभी मैंने रात को मैंने थंबनेल नहीं बनाया था, जो वीडियो आज अपलोड होनी है तो उसका मैंने अभी बनाया है थंबनेल, तो ये वीडियो आप देख चुके होंगे ऑलरेडी। अभी मैं इसको लगा देता हूँ अपलोडिंग के ऊपर। विशाल जा रहा है अभी, बंद कर ले भाई आवाज़, विशाल जा रहा है अभी कहीं काम, कहाँ जा रहा है, क्या रोड क्या करेगा भाई, भगवान की ड्रेस लेने जन्माष्टमी के लिए भगवान की ड्रेस लेने जा रहा हूँ। इससे मुझे याद आएगी मुझे अभी कृष्णा जी की शॉपिंग करनी है, लेकिन मैं शायद करूँगा कल। कुछ सामान मैंने इससे मंगवा लेना है, कुछ सामान मुझे खुद जाके लेना पड़ेगा कल, तो मैं कल जाऊँगा, कल वहाँ पे कंटेनर मिल जाएगा व्लॉग बनाने के लिए, तो उसके बाद मैं अभी एक बार अपलोडिंग पर लगा देता हूँ। क्यों लग गई अपलोडिंग के ऊपर, वीडियो अपलोड होने ही वाली है जस्ट। और अभी एक खुशखबरी भी आई है, मेरे को किसी ने एक फोटो भेजी, मैंने स्क्रीनशॉट सेंड किया, उसके अंदर है मेरी फोटो, क्योंकि मैंने ऑल ओवर इंडिया लीग कॉम्पिटिशन चल रही थी सैमसंग की, उसके अंदर मेरी सेकंड रैंक आई है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन मुझे कर देना अब। थैंक यू। अभी आपको उसकी फोटो भी दिखा देता हूँ, ये देखिए ये है मेरी फोटो जो मुझे किसी ने सेंड करी है, मतलब एसएससी, मुझे नहीं पता था हिसार का कोई एसएससी है, उसने मुझे व्हाट्सएप पे सेंड किया कि भैया आपकी ऐसे फोटो उड़ाई हुई है। और विशाल गया हुआ है काम, मैडम बैठी है यहाँ, हेलो आज धुंधली नहीं आ रही, आज आपकी जिंदगी खुशहाल हो गई है। काम अभी कुछ है नहीं करने के लिए, वैसे थोड़ा बहुत जो था मैंने कर लिया, आज थोड़ा सा मैं रिलैक्स फील कर रहा हूँ, रात को लेट तक जाग रहा हूँ, सुबह जल्दी उठ रहा हूँ, नींद पूरी नहीं हो रही है। संडे को मैं व्लॉग करूँगा लेट शुरू, क्योंकि नींद करूँगा मैं पूरी, और इस संडे शायद मैं कहीं बाहर घूमने भी जाऊँ, मतलब बाहर मतलब कि रोहतक के अंदर ही आसपास के एरिए में, तो वहाँ का भी हम अनवील कर लेंगे। वीडियो हो गई है लाइव और विशाल आ गया है वापस, ले आया मेरे लिए शहद, मतलब मेरे लिए नहीं कृष्ण जी के लिए, कृष्ण जी का स्नान करवाना है तो उसके लिए शहद बहुत ज़रूरी है। और क्या बता रहे थे आप, अभी किसी को गालियाँ दे रहे थे, किसको दे रहे थे, किसी को नहीं, अभी नहीं बताएगा विशाल, बताएगा पीछे से। तो जी अभी टाइम हो गया है 2:57 और आज फिर मैं हो गया हूँ लेट खाना खाने के लिए, बट अभी खाने ही लगा हूँ, जस्ट बैठने लगा तो मैं सोचा एक बार आपसे बात कर लेते हैं। और इधर ये देखते देखते आ गए हैं साथ में भैया, हाय कैसे हो सर, बहुत बढ़िया बताओ, बहुत बढ़िया। पहली बार ऐसा कि जब मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ और भैया बाहर से आए हो, मतलब कहाँ घूम रहे हो सर, काम चल रहा है, कौन सा काम है, चलो सर कर रहे हैं काम, तो मैं भी इतने एक बार लंच कर लेता हूँ सर से पूछ लेता हूँ, आप कुछ खाना है सर, कुछ ऑर्डर कर लूँ थोड़ा बहुत, सर कुछ भी नहीं खा रहे, मैं तो लंच कर लेता हूँ उसके बाद मिलता हूँ। लंच हो गया कंप्लीट और इतने में भैया, भैया तो पहले आपने देख लिए थे, पहले ही आ गए थे मैं, और साथ में आ गए विनोद जी भाग रहे हैं सर, भागो। विनोद जी को सबसे बड़ी दिक्कत ही आएगी जो ये व्लॉग है वो ऑफिस में देख लेते हैं, फिर विनोद जी को कहते हैं तो भाई इतनी देर तक राधे कृष्णा पे कर क्या रहा था, हमारे जो स्टोर का नाम है वो राधे कृष्णा है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, तो पूछते हैं कि भाई तो इतनी देर वहाँ पे कर क्या रहा था, विनोद जी को जवाब देना हो जाता है मुश्किल, तो विनोद जी क्या पूछा गया आपसे कल बताइए, मेरे से पूछा गया राधे कृष्णा वो कर क्या रहे थे ना, यही बताऊंगा, देखा स्क्रिप्टेड था। लंच तो मेरा हो गया लेकिन लंच होने के बाद भी मुझे लग गया दोबारा थोड़ी सी भूख, तो मैं लेने जा रहा हूँ पाव भाजी विनोद जी के साथ, क्योंकि विनोद जी का रजिस्ट्री किसकी, घर की नहीं इनकी खुद की, क्योंकि इनका रोका हुआ था, तो अभी ले जा रहे हैं पाव भाजी, अभी लेने जा रहे हैं पाव भाजी खाएंगे विनोद, मतलब विनोद जी पार्टी दे रहे हैं, तो चलो पहुँचते हैं मिलते हैं रास्ते में, चलो तो लो जी चल पड़े हैं विनोद जी के साथ पाव भाजी लेने, आप तब एंजॉय कीजिए टाइम लैप्स ऑन द वे। Do you believe me that I'm a lonely soul? Would you love me? Nani? Omae wa mou shinde iru. मैं पंडित चार भंडार पे, पंडित चार भंडार पे ले रहे हैं पाव भाजी इनकी बहुत टेस्टी होती है, स्पेशली भैया बनाते हैं, क्या बनाते हो भैया आप, तो जी पाव भाजी हो गई रिसीव, अभी चलते हैं ऑफिस और सीधा मैं जाके मिलता हूँ आपको ऑफिस, क्योंकि रास्ते में इतना कोई दूर का रास्ता है नहीं, पास में ही है थोड़ा। लो जी पहुंच गए हैं स्टोर के ऊपर और आते ही बाहर गर्मी थी और यहाँ भी वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था, लाइट चली गई है और हो गई है गर्मी, तो एक बार पाव भाजी खा लेते हैं, ये भी गर्म गर्म है तो पाव भाजी खा लेते हैं, उसके बाद एक बार मिलते हैं आपको खाते। शादी लड़की
मैडम को देख लो, मैडम को सारा दिन खाने की पड़ी रहती है इसकी। आप सोच सकते हो इसको देख के, कह सकते हो कि ये बंदी सारा दिन खाने का सोचती है, सारा दिन खाने का। शक्ल देखो एक बार इसकी, वो होते हैं ना ये क्या कहते हैं वो होते क्या जो पंडित जाते हैं खाना खाने, शराद। छोड़ा भंडारा लंगर शराद और जो होते हैं तो इतना लाइफ खराब हो गया, इतना लाइफ खराब हो गया मेरा। तो लो जी अभी हो गई है रात, तो अब टाइम है आप लोगों से बात करने का। वैसे तो मैं सुबह से कर रहा हूँ, लेकिन सुबह से मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ, यहाँ जा रहा हूँ, वहाँ जा रहा हूँ, ये खा रहा हूँ, लेकिन मैंने जो नॉर्मल बात करते हैं वो मैंने बात नहीं करी। तो अभी मैं आपको ये बताना चाह रहा था, क्या बताना चाह रहा था, अभी कल का जो दिन जाने वाला है वो थोड़ा सा बिजी जाने वाला है, क्योंकि कल है जन्माष्टमी और कल है मेरा फास्ट। तो मुझे थोड़ी सी कृष्ण जी के लिए शॉपिंग भी करनी है, तो विशाल के साथ मैं खुद जाऊंगा कल, और कल आपको मार्केट का ब्लॉग मिल जाएगा। और मुझे आज किसी ने ये भी कहा कि तो भाई स्टोर के अंदर ब्लॉगिंग कर लेता है, लेकिन तो एक मेन रोड के ऊपर, ऑन रोड के ऊपर ब्लॉगिंग करना इतना आसान नहीं है। तो उसके लिए मैंने आज इस वीडियो के अंदर थोड़ी सी क्लिप डाली है जो कि मैंने ब्लॉगिंग करी है, जो आपने पंडित चाट भंडार वाली भी देख ली होगी। तो इसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि कल मैं मार्केट में जाऊँगा, मैं मार्केट में जाकर ब्लॉगिंग करूँ, जब मैं शॉपिंग कर रहा हूँ, कोई चीज़ें परचेज कर रहा हूँ या दुकान वालों के सामने खड़ा हूँ, कल काफ़ी ज़्यादा रश होने वाला है मार्केट में, तो मैं कल मार्केट में जाकर ब्लॉग करूँ और मैं देखूँ खुद को। नहीं, उसको मैं नहीं बताना चाह रहा कि मैंने ऐसा कर दिया, लेकिन मैं खुद को देखना चाहता हूँ कि क्या मैं मार्केट के बीच में खड़ा होकर आप लोगों से बात कर सकता हूँ, और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। तो आप लोग मेरा साथ दीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए नीचे कमेंट करके, और मुझे बताइए कि मैं ऐसा कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। अगर आप कहेंगे नहीं कर सकता तो मैं ज़रूर करूँगा, और आप कहेंगे मैं कर सकता हूँ तो मैं कर ही सकता हूँ। हो गया है स्टोर को क्लोज करने का, मैं बंद कर देता हूँ फट से लाइट बंद, और फिर मैं आपको मिलता हूँ बाहर स्टोर के। लाइट बंद हम कैसे करते हैं, जैसे हमेशा की तरह करते हैं। तो जी लाइट हो गई है बंद, और बैग मैंने आज पहले ही निकाल लिया था, ये मार रहा है बाहर से आवाज। क्या करें बेटे, तो हम आ गए स्टोर के बाहर। कल मैं सोच रहा हूँ शायद आपको ये मस्त मुनासी पान पड़ोस में अंकल, तो इनसे भी आपको मिलवा देता हूँ। बोट बहुत अच्छे अच्छे बहुत सारी वैरायटी की आपको ये पान देते हैं, प्लस इनके पीछे स्टोर है एक और, तो उनके अंकल की आइसक्रीम भी टेस्ट करेंगे और आपको भी देंगे, और आपको रिकमेंड जरूर करेंगे आप कौन से वाली आइसक्रीम मिलती खा सकते हो। तो अभी मैं चलता हूँ, कल मम्मी की दवाई नहीं ली थी, भूल गया था रास्ते में लेने के लिए, तो चलूँगा आज मम्मी की दवाई भी लेता चलूँगा, और उसके बारे में मिलता हूँ घर जाके। बाय, आ गए हैं वापस, और इस व्लॉग को करते हैं हम अभी यहीं पे एंड, क्योंकि आज मैं सोऊंगा, सोचूंगा कि मैं शायद थोड़ा सा जल्दी सो जाऊं, क्योंकि कल है मेरा फास्ट और कल मुझे रहना पड़ेगा सारा दिन भूखा, तो इसलिए शायद बॉडी में थोड़ी सी एनर्जी बचानी पड़ेगी, और एनर्जी बचाने के लिए टाइम से सोना और टाइम से उठना पड़ेगा। तो इस व्लॉग को यहीं पर खत्म करते हैं, कल अगर आपने यहाँ तक देख लिया तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट करके जरूर बता देना मेरे दोस्त, क्योंकि आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत जरूरी है। तो स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, फिर मिलते हैं।